गए तो छोड़ते छोड़ते थे, आज पक्की गोली छोड़ी। हमारे किसान के एक नौजवान की 21 साल का बच्चा है, उनका शहीद हो गया है। फिर भी सरकार ने बहुत ज्यादा अथरु गैस छोड़े। हम सरकार को ये बोलते हैं, उसको मैसेज देना चाहते हैं, भैया हम टेबल पर बैठ के बात करेंगे, हमारी मांगे जो मानो। ते पूरा भारत बिल्कुल जो किसान पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ये टूट जाएगी। गाड़ियों बम मारने शुरू करते, गोलियां मारन दे, की करिए हुन, मतलब बंदे 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सतीश कांत। आपको बता दूं, 21 फरवरी 2024 का दिन काफी तनावपूर्ण था। किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया था सुबह 11 बजे, और 11 बजे के बाद लगातार हलचल थी बॉर्डर पर। किसान आगे जाने को तैयार और दूसरी तरफ तमाम मिलिट्री फोर्सेस। 20 तारीख की बात करें तो शाम से ही किसान आना स्टार्ट कर दिए थे बॉर्डर पर, तमाम रेत के बोरे रखे गए थे बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ की बात करें तो वहां पर भी मिलिट्री फोर्सेस में लगातार हलचल थी। 21 तारीख की बात करें तो सुबह आपने देखा कि बॉर्डर पर वहां पर JCB रखी हुई थी, पोकलैन भी थे, तो ये तस्वीरें थी बॉर्डर की। और आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि तमाम जो ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने हरियाणा के पंजाब में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनको लेटर लिखा कि जो पोकलैन है या JCB है उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। ये तस्वीरें थी। दिन भर आपने माहौल देखा, आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर फेंके गए, रबर की गोलियां चली और एक किसान की मृत्यु भी हो गई। ये तस्वीरें थी। 10 से ज्यादा किसान घायल हुए और हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए। 4 चरण की बैठक बेनतीजा रही MSP को लेकर के। जब बात होती है कुछ फसलों पर, कुछ दालों पर, तो उसको किसान साफ तौर से कहते हैं कि सरकार ने बरगलाने की कोशिश की है। अब आगे क्या, आगे की कैसी तैयारी, हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे। रात का समय है। आपका नाम? मैं दयाल सिंह, मियांमेड़ तरनतार से हूँ। तो आगे की तैयारी क्या है? अभी तक तो बातें नहीं मानी गई है, दिन भर गोलियां चली रबर की, एक किसान की मृत्यु भी हो गई, आंसू गैस के बम किसानों के साथ, जितना हो सकता तो वो सरकार हर तरीके के हथकंडे अपना रही है, अब आगे क्या करने वाले हैं? अभी बात ऐसा है, जो आज आगे बढ़ने का महा था वो हम बड़े थे, आज क्या बात हुआ, आगे से अथरू गए तो छोड़ते छोड़ते थे, आज पक्की गोली छोड़ी। हमारे किसान के एक नौजवान की 21 साल का बच्चा है, उनका शहीद हो गया है। फिर भी सरकार ने बहुत ज्यादा अथरू गैस छोड़े। हम सरकार को ये बोलते हैं, उसको मैसेज देना चाहते हैं, भैया हम टेबल पर बैठ के बात करेंगे, हमारी मांगे जो मानो। कोई बात ऐसा है, 23 फसलें हैं जितने भी MFC हम चाहते हैं, और इसके साथ कर्जा माफी का है, पूरे हिंदुस्तान का MFC चाहिए, पूरे फसल, जैसे बिहार में और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और हिमाचल में, जितने भी फसलें उसमें MFC की गारंटी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, किसान का जो मौत हो रही है कर्जे से वो नहीं होएगा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। फिर भी हम जो हमारे सरदार अपने है, क्या नाम उनका, बधेर साहब है, डल्लेवाल है, जो सीनियर लीडर है, जो मीटिंग करके बताएंगे उसका फिर हम पालन करेंगे। अगर बोलेंगे आगे बढ़े तो बढ़ेंगे। सरकार ने क्या किया है, जैसे पाकिस्तान में तार लगा रखा है वैसे बॉर्डर इधर बना रखा है, बड़े बड़े बैरियर लगा रखे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या किसान अपनी मांगे मांगने के लिए है, जो इन्होंने वादे किए है चुनाव जाफ्ते में भी, हम जे जे किसान को करेंगे, डायरेक्टर स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू करेंगे, तेईयों फसलों पर MSP गए, उससे मोदी भाग गया है। और क्या बात है, जैसे मोदी अबानी डानोई हुनाने इनको कब्जर किया है मोदी को, उसको भी छड़ाना है, और आगे अपनी मांगे पूरी करके फिर हम वापस घर में जाएंगे। सरकार ये भी बात कर रही है, तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आप लोग 23 फसलों पे टिके हुए हैं, 4 से 5 फसलों की बात की गई थी, क्यों कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, तो क्या 23 से नीचे भी फसलों पर आएंगे या 23 फसलों पर ही टिके हुए हैं आप लोग? देखो ऐसा है, जे वो बढ़ेंगे तो हम भी थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम 3-4 फसलें ले लेंगे, थोड़ा वो बढ़े थोड़ा हम नीचे आए तो फैसला टेबल पर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। हम ऐसा भी हम जो मुंह में निकाल दिया वो नहीं होएगा, मतलब बीच का रास्ता निकाला जाएगा, निकालना चाहिए टेबल में बैठ के। ऐसा नहीं भी गोली चलाए या जैसा भी, हम नहीं चाहते हमारे नौजवानों का नुकसान हो, जैसे वो उधर आर्मी लगा रखा है
बीएसएफ लगा रखा है, जो भी सीआरपी लगा रखा है वो भी हमारे भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन एक बात और भी करें, यहाँ पर बातें हो रही थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी लेकर के, आपके तमाम सीनियर ऑफिस सीनियर जो नेता थे वो कर रहे थे, किसान नेता, तो उसको लेकर के क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके की नाराजगी है? देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें ऐसा है कि जो भारत जो बाकी देश है पूरे WTO के तहत, उसमें जो सस्ती चीज होगी ना वो पूरे बाजार में एक जैसा रहेगा। बारो चीज, जैसे कर्क अभी गेहूं आ रहा है, गेहूं बाहर में सस्ता मिलेगा भारत में आ जाएगा, जब भारत में आएगा तो कर्क जो ऐसे हमारी कर्क 2100 में बिकती है अभी रेट, पंजाब में 2100 रुपया रेट है, जब वो WTO के तहत बाहर से कर्क पंजाब में आएगा या भारत में आएगा तो उसका रेट लगभग 1200-1300 रुपया रहेगा। अगर 1200-1300 रुपया रहेगा तो जो किसान क्या करेगा फिर? किसान तो पहले ही कर्जे की मार में कर्जे के हेठ दबा हुआ है, कर्जे की मार में चल रहा है। अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो किसान कहां जाएगा? किसान तो पहले ही कर्जे में बिल्कुल डूबा हुआ है, किसान का परिवार पालना मुश्किल है किसान के लिए। ऐसे मुश्किलों में अगर रेट और कम हो जाएगा तो किसान क्या करेगा? यही WTO के तहत जो बाहर से फसल मंगाएंगे वो सस्ती मंगाएंगे, तो भारत की जो फसल है उसको बोलेंगे इसमें ज्यादा आपने केमिकल डाला हुआ है, ज्यादा स्प्रे किया हुआ है, हम नहीं खरीदेंगे इसको। ऐसे कीड़े डालकर हमको बिल्कुल जो नकारा जाएगा उसके तहत हमारा बहुत ज्यादा बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे भारत का। हम इसलिए चाहते हैं कि जो भारत है वो WTO से बाहर निकले और जो सभी किसान है भारत के उसको खुशहाल हो जाएंगे अगर उसको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तहत उसको पूरा रेट का भाव मिलता है तो। अच्छा, जय जवान जय किसान की बात करी जाती है, एक तरफ किसान एक तरफ जवान, ये जो पूरा जो मंजर जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उम्र कितनी हो गई पहले बताएं आप? मेरी 60 साल उम्र है। 60 साल की उम्र में कभी ये मंजर कभी आपने पहले देखा? देखा है, हमने 20 साल आर्मी में नौकरी किया है, जो मेरे साथ आर्मी मेरा दोस्त नौकरी करके पेंशन आया है वो टेलीफोन किया है, वो भी आगे खड़ा है उधर, जो उधर DSP है उनका ड्राइवर है वो, क्योंकि हमने इसलिए आपको पहले बोल दिया हमारे दुश्मन नहीं वो गोली चलाने वाले, उनकी मजबूरी हो गई आपके ऊपर गोली चलाना, उनकी मजबूरी है क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनके कोई भी ऐसा नहीं, हम उसके दुश्मन नहीं है, उनको भी मालूम है इधर किसान और मजदूर खड़ा है, हमारे भाई है और चाचा ताया है, हमारे पिताजी है, इसलिए वो भी सोचते होंगे कि क्या यार हम कर रहे हैं, हम अपने बाप के ऊपर गोली चला रहे हैं तो हम भी सोचते हैं। आप मिलिट्री पर्सनल रहे हैं लेकिन देश के भीतर ही ऐसी तो मंजर बॉर्डर पर देखे जाते हैं, देश के बॉर्डर पर, देश के भीतर ही जो ये मंजर जो बना दिया गया है इसको लेकर के मन में क्या आता है, सरकार को किस तरीके का डर है किसानों से? देखो, किसान है, हम अन्नदाता है, मजदूर है, अन्नदाता है, हम जे मोदी साहब को बताना चाहते हैं, मोदी साहब ऐसा बॉर्डर मत बनाओ, जे हमारे को लड़ाना है ना और किसी भी देश में लड़ा लो, हम आपके हेल्प करेंगे, आपके लंगर लगा लेंगे उधर गुरुओं का, कि आपके पूरे हिंदुस्तानी है, हम भारत के लोग हैं, हम कोई ऐसे नहीं आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, हमारे क्या बेइज्जती किया जाता है जे आतंकवादी है, जे फलाना है, ऐसा नहीं है, अपने हक लेने के लिए जो इन्होंने वोट लेने के लिए बताया था, मेरे को वोट दे दो, हम जे डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, 23 फसलें पर MSP दे देंगे, वो लेने के लिए आए हैं, हम ये बोलते हैं कि आप टेबल में बता लो, मीटिंग कर लो, मीटिंग में हल निकल जाएगा। अच्छा, इस मीटिंग में भी हल नहीं निकला, फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे? कोई बात नहीं, फिर मार्च करेंगे आगे को, फिर गोली चलेगी, फिर बम गिरेंगे। हम भैया घर में बता कर आए हैं, हम अपनी जीत तो हम जीत के आगे तो ठीक है, हम घर में आ जाएंगे, जे नहीं जीते वहां शहीद हो जाएंगे बॉर्डर पर, कोई बात नहीं, ये भी बता दिया है, एक एक हार बना लो, जे तो हम जीत के आगे हमारे गले में डाल देना, जे हम उधर शहीद हो गए जो फोटो है उसमें डाल देना। मोदी जी से पूरा मिलने का इरादा है आपका? जी बिल्कुल, मोदी को मिलने का बहुत इरादा है, पूरे जितने किसान है सभी का मिलने का इरादा है। बात ये, अगर मोदी जहाँ बैठे हमारे मसले पूरे हल होते हैं, जितनी मांगे हैं वो हल हो जाती हैं, तो फिर हमको जरूरी नहीं है मोदी से मिलना, हमको अपने हक चाहिए, चाहे मोदी जहाँ दे दे, चाहे मोदी दिल्ली में दे दे, हम चाहते हैं कि पूरे किसानों को, भारत के किसानों को जितने पूरे हक है, जैसे MSP गारंटी कानून है, 23 फसल के ऊपर गारंटी हमको चाहिए, 23 फसल के ऊपर पूरे भारत के लोगों को पूरे गारंटी मिलती है तो हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, अगर हमको गारंटी कानून नहीं मिलता तो पूरे भारत के किसान मजदूर बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे।
ते पूरा भारत बिल्कुल जो किसान पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ये टूट जाएगी। कौन से संगठन से हैं आप? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। किस पद पे हैं? हम तरन तारण जिले के मीत प्रधान है, जो हमारी जहेबंदी है पन्नू पधेर वाली है। आप? हाँ जी, मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ते मैं जोन सकत्तर हूँ, अपने जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो हमारी जथेबंदी है पधेर वाली है। आप लोग से भी पूछूंगा, देखिए पीछे और भी लोग हैं, दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ जी, तैयारी है सड़ी, यहीं से तैयार जी तैयार है। एक बार मन में नहीं आता है चलो रुक जाए, पीछे हट जाए? हाँ जी, तैयारी करके गए हैं, इन्होंने गाड़ियों बम मारने शुरू करते, गोलियां मारन डे की करी, मतलब बंदे को मार। नाराज बैठे हैं आप लोग? नाराज बैठे हैं। आप भी दिल्ली जाने को तैयार? बिल्कुल जी, शांति चाहते, शांति होनी चाहिए है, सानू हक सलाह मिले, असि कोई हक तक कोई दुश्मन नहीं गए, बाहर देश से आए, असि अपने हक वास्ते डटे हुए हैं, लिया साढ़े बच्चे मार दते उधर, है ना, गड्डिया भल दी, सू अगे नहीं जानते, खट्टर ने जान के गाड़ी बंद किया, ये जुल्म हो रहा ना, शांति शांति बैठे हर विचार नहीं। मतलब जो सा मुख्यमंत्री आ वो सुता वा, कोई साड़ी बात नहीं सुनता, कि नहीं तो पंजाब आके हक बनता वा, कि इतने आके उन्हें जंग लाई आ हरियाणा पंजाब लड़ाई कर दिया, कोई तुम अपने अपने आप सोचोगे इंसाफ है कोई, जी मतलब पंजाब जरा हिंदुस्तान का वासी नहीं गा। देखिए नाराजगी साफ है, सुबह के मंजर आपको बता दिया, 11 बजे दिल्ली कूच की बात कही जाती है, सुबह एक अल्टीमेटम और दिया जाता है कुछ समय का कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं मानी जाती। बीते दिन की आपको बात बता दूं, रात से ही लगातार हलचल थी, यहां पर बॉर्डर के पास में रेत के बोरे रखे गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसानों को ना हो जिस समय आगे बढ़ा जाए। और आपने देखा कि पोकलैंड की बात की जाए, जेसीबी की बात की जाए, तो पुलिस ऑफिशियल जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल थे हरियाणा के, उन्होंने यहाँ पर पंजाब में लेटर के जरिए कहा कि पोकलैंड और जेसीबी बॉर्डर के आसपास ना बढ़ने दी जाए। लेकिन बॉर्डर के उस पार आपने देखा तस्वीरों में कि पोकलैंड भी खड़े थे, जेसीबी भी खड़ी थी, साफ तौर से तस्वीरें थी, और किसान जरा सा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़े तो लगातार आंसू गैस के गोले फेंके गए, रबर की गोलियां चली और एक किसान की मृत्यु भी हुई, तस्वीरें लगातार वायरल हुई सोशल मीडिया पर। किसान लगातार पूछ रहे हैं इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतंत्र में हो क्या रहा है, किसान जब अपनी मांगे रख रहा है तो गोलियां क्यों चल रही, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों फेंके जा रहे। और सबसे बड़ी बात ये, किसानों में नाराजगी है कि जो मांगे जो कही गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 26 महीने पहले, वो मांगे अभी तक के पेपर पे जमीनी स्तर पर उतर क्यों नहीं पाई है। ग्राउंड स्तर की खबर के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ, मैं आपको पल पल की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स देता रहूंगा। मैं उषित तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।